सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं लेवल टू की एक और नई लैब का। तो बता दो क्या सॉल्यूशन है, कहां से आपको मिलेगा, कौन सी लैब हम कर रहे हैं। सो चलो लैब को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूं, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी लैगिंग हो रही है पीसी के अंदर। सो ये मैंने नीचे स्क्रॉल कर दिया है। ये रिमेनिंग सारी लैब्स के सॉल्यूशंस जो है जिस पर टिक नहीं लगे वो ऑलरेडी मेरे पास है प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकआउट कर लें, ठीक है। आज हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं ये वाली लैब का, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें जो है अपने को स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, हमें अपने क्लाउड के क्रेडेंशियल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम क्लाउड कंसोल को लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पे जो है हमें अपने क्रेडेंशियल्स जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। पासवर्ड को कॉपी करेंगे, कंसोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे एंड यूजर नेम जो है वो लिखा आ जाएगा आपके पास। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। पासवर्ड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ये हमने प्रेस कर दिया। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना। काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अगेन हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कंसोल जो ओपन हो रहा है एंड इसे एक बार ओपन हो जाने दो, देन अपनी एग्री एंड कंटिन्यू वाली स्टेज आएगी। काफी बार ये भी आती है, काफी बार नहीं आती, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्री एंड कंटिन्यू पे टिक मार्क करना, एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें जो है बैक आ जाना है अपने विश विंडो पे, देन सेटअप एंड रिक्वायरमेंट पे हम क्लिक करेंगे। देखेंगे क्या कोई रीजन या जोन की कोई कमांड तो नहीं दी है। सो नीचे स्क्रॉल करते जाओ तो देखो हाँ ये वाली कमांड दी। अगर ये मिस हो जाती तो हमारी पूरी लैब में एरर आती। तो मैंने कॉपी कर ली इस कमांड को। इधर आते हैं, क्लाउड शेल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। साइज जो है इसकी मैं आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मैंने जो है इंक्रीज कर दी है साइज अपने क्लाउड शेल की। इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ। कंटिन्यू पे ऐसा है तो क्लिक कर देना। ओपन होने में 1 मिनट के आसपास का टाइम लेता है। सो ये जल्दी ओपन हो जाएगा, प्रोविजनाइज हो जाए इसके सारे रिसोर्सेज। सो ये ओपन हो जाएगा, देन हमें गॉट इट करने का ऑप्शन आएगा। गॉट इट करेंगे तो ये हमारा क्लाउड कंसोल जो है ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे पहली कमांड पेस्ट करना, एंटर दबाना, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। ऐसा है, इग्नोर करना, कोई इशू वाली बात नहीं है। बैक आना, याली कमांड को जो है आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन हम बैक जाएंगे, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन जो हमें बैक जाना है। देन हमें जो है याली कमांड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, देन इधर आएंगे एंड इसको एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना कंप्लीटली। सो एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, एंटर दबा देंगे। सो हमारा काम डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन इसको जो है हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है ये वाली कमांड को। तो ये दोनों APIs जो है हमारी अनेबल हो जाएगी इस पर्टिकुलर कमांड से। सो कमांड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन हमें जो है बैक आ जाना है। यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये जो है हमारी जो ऑथोराइज होती है वो अनेबल कर देगा हमारी APIs को। सो बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, जो है टिक लग जाएगा। बट एक बार में अपडेट नहीं होता है क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो हमें बार बार चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करते रहना है, तो आपको जो है टिक देखने को मिल जाएगा। करते रहो चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक जब तक जो है यहाँ पे टिक नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मैं करते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली टिक। सो अगेन एक बार मैं क्लिक करता हूँ, टिक तो लग ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। एंड ये कंप्लीट हो चुके हमारी याली स्टेप। नीचे स्क्रॉल करते हैं, टास्क टू की ओर बढ़ते हैं। याली कमांड को हमें कॉपी कर लेना है, देन हमें जो इधर आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। सो हमारा काम जो है डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, याली कमांड को जो है हम कॉपी कर लेंगे, देन अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन जो हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड याली कमांड को जो हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन जो हमें बैक आना है। एंड अब हमें जो है याली कमांड को कॉपी कर लेना है एंड अगेन बैक आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा काम डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, याली कैट कमांड को जो है हमें कॉपी कर लेना है। तो ये क्या करती है, शो कर देती है डिस्क्रिप्शन को। तो मैंने कॉपी कर ली, इधर आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा काम डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, करते जाएंगे, ये सब इग्नोर करो, सीधे याली कमांड को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमें इधर आना है एंड पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। इसे एग्जीक्यूट हो जाने दो, तब तक बैक आओ, चेक में प्रेस पे क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, ठीक है। ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, टास्क 3 की ओर चलते हैं। इसको कॉपी करेंगे, देन अगेन जो हमें बैक जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन अगेन इधर आ जाएंगे, याली कमांड को जो है हमें कॉपी कर लेना है एंड अगेन जो है हम इधर आते हैं, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इस वाली कमांड को आपको जो है कॉपी कर लेना है, देन अगेन जो हमें इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, देन अगेन इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका जो टास्क है वो डन हो जाएगा बिना किसी इशू के। अगर एक बार में ना हो, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना। 4 टास्क की फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन इधर आएंगे, याली कमांड को जो हमें कॉपी कर लेना है, देन इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। डिस्क्रिप्शन शो हो गया। अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ऊपर वाली कमांड एक रह गई, तो पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कॉपी में इसको कर लेता हूँ एंड अगेन जो है हमें इधर आ जाना है बैक,
पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, देन अगेन जो हमें इधर आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। तो ये हमारा टास्क डन, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, करते जाएंगे, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो, इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कमांड को हम कॉपी करेंगे इस लैब की, तो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया, एंड अगेन जो है बैक आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। तो ये हमारा टास्क जो है डन हो चुका है, बैक आएंगे, चेक माई प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के। एक और बार चेक माई प्रोसेस पे क्लिक करो, एक बार में अपडेट नहीं होता है। तो ये मैंने क्लिक करा, टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको शो करता हूँ मुझे टिक मिला है कि नहीं, तो एंड लैब पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, जो भी आपको कमेंट देनी हो आप वो दे सकते हैं, जितना आपको स्टार देने हो आप दे सकते हो। तो ये मैंने नाइस लिख दिया, सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, वेरीफाई करवाता हूँ मुझे टिक मिला है कि नहीं, क्योंकि करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बैक आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एंड हम जो है अपनी वाली लैब पे आ गए। तो ये देखो, ये जो है हमें टिक मिल चुका है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।